नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता और गर्मी के तीखे प्रभाव का असर नगर निगम में दिखने लगा है। जनसुनवाई बंद होने से अब ना तो समस्याओं के आवेदन लेकर लोग पहुंच रहे हैं और ना ही योजनाओं के लाभ पाने वाले हितग्राही ही दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि निगम में डेरा जमाए रखने वाले जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा भी इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। आरटीओ अमले की लापरवाही सड़क हादसों को न्योता दे रही है। वजह वाहनों के दोनों ओर लगने वाले रिफ्लेक्टरों का गायब होना बन रहा है, जबकि निर्देशों में रिफ्लेक्टर न होने पर कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन लाव लश्कर होने के बाद भी आरटीओ की कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। शाम होते ही बाजार से निकलना मुश्किल हो जाता है। शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से चार पहिया वाहन निकलना प्रतिबंधित होना चाहिए, लेकिन बाजार में अपने रुतबे का प्रदर्शन करते चार पहिया चालक बाजार के घनत्व को बिना देखे ही घुस जाते हैं। नतीजतन घंटों दो पहिया वाहनों और लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। बुधवारी बाजार, फवारा चौक, अनगढ़ हनुमान मंदिर, कमानिया गेट, गोलगंज में ऐसे हालात रोज बनते हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बाद भी शहर का ट्रैफिक विभाग इन क्षेत्रों से मुंह मोड़े रहता है। आगजनी होने के बाद मंडी प्रशासन को होश आया है। दरअसल दिसंबर में कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की अंतिम बैठक में एक सदस्य ने मंडी में अग्निशमन के पुख्ता इंतजाम करने के प्रस्ताव को उठाया था, जिसे समिति ने सहमति देकर करीब 5 लाख खर्च कर पूरे मंडी में ऐसी व्यवस्था करने के निर्णय को पारित किया था। लेकिन मंडी प्रबंधन ने ऐसे प्रस्ताव को मानने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन सोमवार को मंडी से सटे 20 एकड़ के एरिया में लगी आग की चपेट में जब मंडी परिसर को भी आते देखा तो अब अग्निशमन के उपकरणों की जरूरत महसूस होने लगी। गौरतलब है कि मंडी प्रबंधन अपनी गलतियों के कारण खुद बारूद के ढेर में बैठा है। परिसर में सूखे झाड़ लगे हुए हैं और इन्हें हटाकर कभी पौधरोपण की कोशिश भी नहीं की गई। मंडी सचिव केएल कुलमी ने कहा है कि आग को दमकल ने बुझा दिया है, लेकिन मंडी अब बड़े स्तर पर अग्निशमन के इंतजाम करेगी। छिंदवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में मंत्री रहे विजय पाटनी का सोमवार को भोपाल में निधन हो गया। मंगलवार को उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ राजधानी भोपाल के भदभदा शमशान घाट में संपन्न हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय पाटनी राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं। छिंदवाड़ा और भोपाल के जैन समाज के महत्वपूर्ण पदों का दायित्व उन्होंने बखूबी निभाया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनके निवास स्थान पर जाकर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। आईपीएल मैच का आज एक बड़ा सट्टा धर्मटेकड़ी पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें क्रिकेट में सट्टा खेल रहे एक बड़े ग्रुप का पर्दाफाश हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी कि ग्राम खापाभार क्षेत्र में आईपीएल का बड़ा सट्टा अक्षत अग्रवाल द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें लाखों का लेन देन चल रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच और धर्मटेकड़ी पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों आईपीएल का सट्टा लिखते नकदी रकम लैपटॉप टीवी मोबाइल और कागजों के साथ पकड़ा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।